नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से शिवप्रिया झा सर के साथ यूपीएससी अड्डा चैनल पर। तो सबसे पहले बच्चों, आप सभी को बता दें, जो 3-4 मिनट की देरी हुई है बच्चे, वो थोड़ी सी टेक्निकल कारणों से हुई है। आप सब जानते हैं कि भाई हम अपना कोशिश करते टाइम पर ही रहा जाए, है ना। तो आइए आज जरा 2-4 मिनट जो लेट हुई है चीजें, अब उसको जरा कवर किया जाए। फास्ट स्पीड से आगे बढ़ते बच्चे। सबसे पहले आपका कल 11 बजे 111 क्वेश्चन 151 का महामैराथन है, जरूर जुड़ना है आप सभी प्यारे बच्चों को। इसके बाद आगे बढ़े और सर आपका गिव अवे उससे पहले 10 बजे है, उस पर भी आप सभी बच्चों को जुड़ना है। और उसके बाद यदि कहें तो आप सब प्यारे बच्चों को याद रखना है कि आज किसी भी समझिए प्राइम टेस्ट पैक का ऑफर चल रहा है, यानी बहुत ही बड़ा डिस्काउंट आपको मिल जाता है। सर क्या कोड यूज करने से? Y260 कोड के यूज करने से, ठीक है ना। जैसे आपका बाहुबली बैच है, इसके लिए भी बच्चे आपका 10 से 12 का टाइमिंग में स्टार्ट है। सुपर डुपर बैच आपका Y260 कोड से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए सर आगे बढ़ा जाए और सभी प्यारे बच्चों को, जितने भी लोग प्रेजेंट हैं, स्वागत है और एक खतरनाक क्वेश्चन के साथ स्वागत किया जाना चाहिए। सौरभ जी, अनिरुद्ध जी, पीयूष जी, सुमन, स्मिता, चुन्नू, सोनम ठाकुर जी, सभी बच्चों का आइए जरा लाइक शेयर के साथ ट्राई करिए। अ लेयर इन द अर्थ एटमॉस्फेयर कॉल्ड द आयनोस्फीयर फैसिलिटेट रेडियो कम्युनिकेशन। वाई, क्यों रेडियो कम्युनिकेशन करता है बच्चे? ये आईएएस प्रीलिम का क्वेश्चन है, आपको बताना है। प्रेजेंस ऑफ ओजोन कॉजेस द रिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो वेव टू द अर्थ। रेडियो वेव हैव अ वेरी लॉन्ग वेवलेंथ। आप सभी को बताना है कौन सा इसमें से करेक्ट है। अभिज्ञान साहब और सभी लोग नमस्कार, बताइए जरा फास्ट स्पीड से बच्चे। 20 सेकंड का टाइमर है मेरे भाई, जल्दी जल्दी से जरा बताएंगे। चलिए, अनन्या ओके, अंशु जी गुड इवनिंग, चलिए ओके। अब आंसर पर आइए जरा, लक्ष्मी जी ओके, निशा ठीक है, सोनम ठाकुर जी, स्वर्णिमा, चुन्नू, सौरभ, चलिए बच्चों बढ़ा जाए। गुड़िया जी ओके। देखिए करेक्ट आंसर क्या है, कि करेक्ट आंसर आप सभी बच्चों को बता दें। आप सब में से कुछ लोग कह रहे हैं सर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन को सही से पढ़िए बच्चे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी लगाने वालों, आंसर को सही से पढ़ने से पहले क्वेश्चन को पढ़ो। अ लेयर इन द अर्थ एटमोस्फियर कॉल्ड आयनोस्फियर फैसिलिटेट द कम्युनिकेशन, रेडियो कम्युनिकेशन। वाई, वाई रेडियो कम्युनिकेशन करता है आयनोस्फीयर? इज इट की रेडियो वेव हैव द लॉन्ग वेवलेंथ, दैट इज करेक्ट की रेडियो वेव की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है। बट हियर क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है ना बच्चे, रेडियो कम्युनिकेशन जो करता है आयनोस्फीयर क्यों करता है? क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि इसकी वेवलेंथ लंबी होगी तो इसलिए कम्युनिकेशन में करेगा, नहीं। बिकॉज आयनोस्फीयर में बच्चे चार्ज पार्टिकल होते हैं, वो रिफ्लेक्ट करते हैं बच्चे, उसके कारण होती है कम्युनिकेशन। एंड बोथ द स्टेटमेंट आर रॉन्ग, दैट्स वाई आंसर इज नीदर वन नीदर टू। ओके, गॉट माई पॉइंट? ऑप्शन इज डी, यस निशा, बहुत बढ़िया, गुड, वेल डन। चलिए सर अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, टेलीविजन व्यूअर यूजिंग द डिश एंटीना टू रिसीव द सैटेलाइट सिग्नल डू नॉट रिसीव सिग्नल ड्यूरिंग द रेन बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ एंटीना। रेन ड्रॉप एब्जॉर्ब द एनर्जी ऑफ द रेडियो वेव, रेन ड्रॉप डिस्पर्स द एनर्जी ऑफ द रेडियो वेव फ्रॉम द ओरिजिनल डायरेक्शन। ट्राई टू आंसर इट, बताइए। 39 लोग लाइव है बच्चे, यार फास्ट स्पीड से हमारे सारे सुपरस्टार लोग। देखिए बाहुबली क्या है पता है, बाहुबली सभी लोग हैं जो हार्ड वर्क कर रहे हैं, है ना। चलिए सर टाइमर अप हो चुका है, अब जरा देख लेना चाहिए कि क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर। ओके सुमन, यस, चुन्नू, ओके मेघा जी, अनन्या, राजीव जी ठीक है, तृप्ति जी, अभिज्ञान, समीना जी, चलिए आंसर पर बढ़ा जाए। लक्ष्मी जी ओके। सो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? देखिए पहला ऑप्शन है ऑफ स्मॉल साइज ऑफ एंटीना, ऑफ स्मॉल साइज ऑफ एंटीना अब पहला ऑप्शन है। दूसरा, रेन ड्रॉप एब्जॉर्ब द एनर्जी ऑफ द रेडियो वेव। और तीसरा है, ड्रॉपलेट डिसअपीयर द एनर्जी ऑफ द वेव। बिल्कुल ये करेक्ट है बच्चे, सारे ही स्टेटमेंट करेक्ट है। आप सभी बच्चों को ध्यान रखना है, पहला तो साइज ऑफ एंटीना बहुत छोटा है, दूसरा आप सब बच्चों को याद रखना है, आप सबको याद रखना है, रेन ड्रॉप जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है एनर्जी को। यस, रेन ड्रॉप डिस्पर्स एनर्जी। सो ऑल ऑफ आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बच्चे, डी, सी नहीं मेरे भाई, डी। ठीक है प्रशांत, क्वेश्चन पर बढ़िए। Following ray are used in the diagnosis of intestinal disease. Which of the following are used as the treatment for intestinal disease? X-ray, gamma ray, A ray, B ray, Y ray, बताएं। बताइए बच्चों। और मेरे भाई थोड़ा सा लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा।
चलिए देखा जाए क्या होना चाहिए आप सबके आंसर। यस चुन्नू, समीना, बिंदु जी, ओके बिल्कुल बिल्कुल। एक्सरे एक्सरे बच्चे, एक्सरे इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट, है ना। एक्सरे का यूज किया जाता है इंटेस्टिनल डिजीज को ट्रीटमेंट करने के लिए। बिल्कुल दीपिका जी, निशा, गुड़िया, स्वर्णिमा, सोनम, सुमन जी, प्रशांत, अंशु, ओके तृप्ति जी, गुड। सीटी स्कैन इज डन बाय यूजिंग, सीटी स्कैन जो किया जाता है वो किसके किसके द्वारा किया जाता है? इंफ्रारेड रे, अल्ट्रासोनिक वेव, विजिबल रे या फिर एक्सरे? सीटी स्कैन बताइएगा। सुजीत जी नमस्कार भाई। चलिए देखा जाए सर करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। गुड़िया जी, सांभवी, ओके ठीक है। बिन्नी, मनीषा, स्वर्णिमा, लक्ष्मी जी, ओके बढ़ते सर आंसर पर। यस गुड, सो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? सीटी स्कैन का आपको याद रखना है, एक्सरे से रिलेटेड है। फुल फॉर्म क्या है सर? कंप्यूटेड टोपोग्राफी, है ना। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज इन्वेंटेड बाय विलियम रोटेंजन? रोटेंजन के द्वारा बच्चे क्या डिस्कवर किया गया था? रेडियो वेव, एक्सरे मशीन, इलेक्ट्रिक बल्ब या नन ऑफ द अबव? ट्राई टू आंसर। यस यस सौरभ, तुम्हारा भी आंसर आ रहा है बच्चे। जब इतना लंबा चौड़ा लिखते हो ना तो दिख जाता है, छोटा छोटा वर्ड कई बार नहीं दिखता, इसीलिए निशा आंसर के बाद वो चार पांच ऐसे लाइन वो ठोक कर अंगूठा लगाती है। या अभिज्ञान देखो। हाँ चलिए, ओके बिल्कुल। 40 लोग लाइव है मेरे भाई, फास्ट स्पीड से आगे बढ़िएगा, आंसर करते रहिएगा। चलिए लक्ष्मी, गुड़िया, ओके बहुत बढ़िया बच्चे, गुड गुड। तृप्ति जी, ओके। मुकेश, चलिए सही है। आनंद जी, ओके। सो ऑप्शन आप सभी बच्चों का आ रहा है बी बी बी, बिल्कुल सही। रोटेंजन के द्वारा, रोमचन के द्वारा आपका एक्सरे मशीन को डिस्कवर किया गया। ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार एग्जाम में आया है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर बढ़िए। कुकिंग गैसेस, मेनली कुकिंग गैस में बच्चे क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड या मीथेन होता है या फिर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन होता है? ट्राई टू आंसर। गुड गुड निशा, हाँ तुम स्पैम नहीं करते हो, गुड वेल्डन। बताएं जूही अग्रवाल जी, ओके। चलिए बच्चों बढ़ा जाए यार आगे पर और पढ़ा जाए। चलिए देखा जाए कि क्या होना चाहिए सर आंसर आपका, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत, लक्ष्मी, ओके। याद रखिएगा कुकिंग गैस में मुख्यतः आपका मीथेन प्रेजेंट होता है, यानी मीथेन वही आपका पैडी गैस जो कहा जाता है, ठीक है। राकेश ठाकुर जी, गुड वेल्डन। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस रिलीज्ड फ्रॉम द बायोगैस प्लांट इज यूज्ड एज फ्यूल गैस? कौन सा फ्यूल गैस के रूप में यूज किया जाता है? चार ऑप्शन आपके सामने, बताएं। यस चौवालीस लोग लाइव है मेरे भाई, लाइक शेयर के साथ आगे बढ़िएगा जरा। चलिए 46 तक पहुंचे आप सभी बच्चे। सागर जी, ओके गुड इवनिंग मेरे भाई। चलिए चलिए सर, करेक्ट आंसर क्या है कि कौन सा आपका बायोगैस प्लांट में फ्यूल गैस के तौर पर यूज किया जाता है? तो आप सभी बच्चों को याद रखना है सर क्या होना चाहिए बायोगैस प्लांट में। करेक्ट आंसर है बिल्कुल मीथेन, मीथेन इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा मुख्यतः 70-75% आपका मीथेन रहता है, इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड इसमें रिलीज होता है, ठीक है ना। सो याद रखना ऑप्शन नंबर सी, बायोगैस मेनली कंसिस्ट ऑफ, लो आ गया। बायोगैस में मुख्यतः क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बच्चे ट्राई टू आंसर फास्ट स्पीड से। चलिए भाई जल्दी जल्दी से, है ना। चलें चलें देखा जाए। 48 तक पहुंचे कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। समीना जी बहुत बढ़िया, निशा, ओके, स्वर्णिमा, दीपिका, सुमन, अनन्या, गुड़िया जी, तृप्ति जी, जूही, राकेश, बहुत बढ़िया मनीषा जी, गुड। सो कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। स्टूडियो आर के, बहुत बढ़िया मेरे भाई,
अगले पॉइंट पर बढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसीजर फॉर अ बायोगैस प्लांट, इनमें से कौन सा प्रोसीजर है बायोगैस प्लांट के लिए, फर्मेंटेशन, रिडक्शन, हाइड्रोजिनेशन या पॉलीमराइजेशन, बताइएगा कौन सी टेक्निक का यूज होता है। यस बताएं, यस सौरभ बहुत बढ़िया, गुड गुड। स्टूडियो आर के आनंद यादव जी, जयंती, चुन्नू चवन, प्रास भाई बहुत बढ़िया, गुड। चलो आगे बढ़ो और आगे बढ़कर आंसर को करो। और एक बात याद रखना बच्चे, सीधी बात, वो बोलते हैं ना नो बकवास, कि भैया इस इन क्वेश्चनों को कर डाला तो आपका जो पीसीएस का एग्जाम है उससे कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा, रिलेटेड आएगा लेकिन इससे बाहर नहीं आएगा। बच्चे 51 लोग लाइव हैं, एक बार जरा लाइक शेयर कर डालिएगा। सो आइए सर, फर्मेंटेशन इज द करेक्ट आंसर। बायोगैस प्लांट जो है इसमें कौन सा प्रोसीजर यूज होता है, फर्मेंटेशन। अब फर्मेंटेशन क्या होता है सर, आप सभी जानते हैं एनारोबिक केस में आपका डिग्रेडेशन करना सर कहलाता है फर्मेंटेशन। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। Who among the following invented गोबर गैस सिस्टम? गोबर गैस सिस्टम को किसने इन्वेंट किया बच्चे? ये यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का, बताइए। सीवी रमन, जेसी बोस, सीबी देसाई या एच खुराना, हरगोविंद खुराना, है ना। ट्राई टू आंसर, 53 लोग लाइव है मेरे भाई, एक बार जरा लाइक शेयर के साथ आप सभी प्यारे बच्चों जरा, है ना, बताइएगा। चलिए चले सर, देखा जाए आंसर क्या होना चाहिए। ओके बहुत बढ़िया, शालिनी जी, यचिका, ओके, प्रियंका सिंह जी, सोनम ठाकुर जी, गुड गुड, लक्ष्मी, ओके। आप सभी बच्चों को बता दें कि करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या है, दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग। यूपी पीसीएस का क्वेश्चन बच्चे, हमने बोला है हर दिन हम लगभग एक क्वेश्चन ऐसा लाते हैं जहां पर आप सीखते हैं कि सर ये क्वेश्चन गलत है, क्यों? आओ हम बताते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। इस करेक्ट आंसर है सर, इस क्वेश्चन का आपको याद रखना है एस वी देसाई, सी वी देसाई लिखा है ना, यही क्वेश्चन की गलती थी, याद रखिएगा यही क्वेश्चन की गलती थी। एग्जैक्टली आंसर क्या है सर, आपका एस वी देसाई के द्वारा, है ना, एस वी देसाई के द्वारा 1942 में इसको, ठीक है, डिस्कवर किया गया था। तो इसलिए आपको याद रखना है सी वी देसाई नहीं है एस वी, और यहां पर ऐसा नहीं है कि स्पेलिंग की, टाइपिस्ट की प्रॉब्लम, नो, यहां पर ये करेक्ट है, यही क्वेश्चन था, इसलिए हमने आपको बताया कि दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग। ओके चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते। द मेन कंपोनेंट ऑफ लिक्विड पेट्रोलियम गैस आर, एलपीजी का मेन कंपोनेंट क्या है सर, आपको बताना है, ठीक है। चलिए तो आंसर पर बढ़ते हैं, मीथेन, इथेन, हेक्सेन, मीथेन, पेंटेन, हेक्सेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। ट्राई टू आंसर, यस। अभिज्ञान का है सर, ब्लंडर हो गया ये तो, अरे भैया अभी तो देखते चलो यार, बस आप सब सपोर्ट करो, बिलीव करो कि आप सबके लिए ऐसा एक माहौल बना देंगे कि यार। चलिए 54 लोग तक लाइव पहुंचे और 44 लोग लाइक, हाँ थोड़ा लाइक वाइक बढ़ाओ यार, 5 सेकंड का टाइम लो और लाइक वाइक को एकदम बढ़ा कर रख दो। दीपक पटेल जी बहुत बढ़िया मेरे भाई, ठीक है। मोनू जी, कुमारी निशा, ओके, वर्ल्डन, चुन्नू चवन, परास, ओके। तो आंसर पर बढ़ते हैं सर, क्या होना चाहिए मेन कंपोनेंट ऑफ लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी का मेन कंपोनेंट क्या है सर, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, बिल्कुल सही मेरे भाई, जिनका भी ऑप्शन आ रहा है ना ऑप्शन सी, वो करेक्ट है। याद रखिएगा यहां पर एक पॉइंट को कि सर एलपीजी जो होता है ना, एलपीजी में मुख्यतः आपका क्या रहता है सर, ब्यूटेन, ब्यूटेन रहता है, ब्यूटेन रहता है, ब्यूटेन के साथ साथ क्या रहता है सर, प्रोपेन रहता है, प्रोपेन रहता है, ठीक है। सीएनजी में यदि कहें, मुख्यतः मुख्यतः सीएनजी में यदि कहें तो बच्चे आपका इथेन और मीथेन होता है, ठीक है। गैस वो जो आपका लाइटर होता है, सिगरेट लाइटर, उसमें मेनली आपका ब्यूटेन होता है। ऐसे सब तमाम क्वेश्चनों को ध्यान रखा करिए, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। What function does blood perform in the body? अपने शरीर में ब्लड का क्या काम है बच्चे, आपको बताना है। Take oxygen to all part, maintain liquidity, help in digestion, help in erection. Try to answer within 20 second. चलिए बताइएगा, 55 लोग लाइव है बच्चों, एक बार थोड़ा बढ़ो यार। चलिए सर, देखा जाए कि क्या होना चाहिए आंसर। बिल्कुल सोनाली, ओके, ब्रजेश साहब, गुड गुड गुड, गुड़िया जी और सभी बच्चे, आंसर की ओर बढ़ा जाए। आंसर क्या होना चाहिए सर,
व्हाट फंक्शन डस ब्लड परफॉर्म? देखिए ब्लड का क्या कार्य है सर, टेक ऑक्सीजन टू द ऑल पार्ट, टेक ऑक्सीजन टू द ऑल पार्ट. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी ए, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, टेक ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट. देखिए ब्लड अपना काम बहुत अच्छे से करना जानता है. आप अपना काम करें ना करें, आपका ब्लड हमेशा मूव करता रहता है बिकॉज ऑफ द हार्ट, है ना. हार्ट आपका कंटिन्यूअस पंपिंग एक्टिविटी करता रहता है, दैट्स वाई आपका ब्लड हमेशा सर्कुलेट होता रहता है पूरी बॉडी में. ऑक्सीजन वाला ब्लड ले जाकर सेल तक देता है बच्चे, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लेकर नाक से बाहर निकलवाने में मदद करता है, ठीक है ना. तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. चलिए अगला, एवरेज ब्लड प्रेशर ऑफ अ ह्यूमन इज, मानव का एवरेज ब्लड प्रेशर कितना है? 60 बाय 100, 20 बाय 80, 60 बाय 140, 120 बाय 80. ट्राई टू आंसर फास्ट स्पीड से बच्चों. और जितने भी लाइक शेयर कर रहे हैं प्यारे बच्चों, एक बार यार चैनल पर यदि नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना मेरे भाई. चलिए देखा जाए सर. ओके बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. डी 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 डी, ठीक है ठीक है ठीक है. ओके गुड. सो सर करेक्ट आंसर है 120 बाय 80. अच्छा ये बताओ 120 बाय 80 तो बोल दिया, 120 क्या है, 80 क्या है, क्या आप बता सकते हैं? याद रखिए आपको हार्ट में प्यारे बच्चों बताया है. चलो इधर बना लेते हैं यार, ये है हार्ट, है ना. ठीक है, ऊपर वाला आप सब जानते हैं सर सिस्टॉल होता है, सिस्टॉल होता है मतलब ऊपर वाला आपका कहलाता है ना एट्रियम यानी ओरिकल, ठीक है ना. ओरिकल कहलाता है सर, इधर वाला भी ओरिकल कहलाता है, ये वाला कहलाता है सर लेफ्ट ओरिकल, ये वाला कहलाता है राइट ओरिकल. देखिए ओरिकल ओरिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, ऑरिकल ऑरिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है सर, वहां पर आपका कहलाता है ऑरिकुलर सिस्टॉल. सो हियर इज ऑरिकुलर सिस्टॉल, ऑरिकुलर सिस्टॉल. और ऑरिकुलर सिस्टॉल का आपका प्रेशर है बच्चे 120, और ये जो 80 है ना दैट इज योर वेंट्रिकुलर सिस्टॉल, वेंट्रिकुलर सिस्टॉल. ओके सो ऑरिकल और वेंट्रिकल के वर्किंग का बच्चे आपका ये है, ठीक है. यस शालिनी जी, पी कुंज साहब बिल्कुल नमस्कार, गुड इवनिंग. चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर. Which of the following instrument measure the blood pressure? Which of the following instrument measure the blood pressure? Blood pressure को कौन measure करता है बच्चे बताइएगा. Spirometer, anemometer, sphygmomanometer, ammeter. Try to answer it. Yes, 57 लोग live है बच्चे. Fast speed से जरा like share के साथ answer करिएगा. चलिए सर अब देखा जाए कि क्या होना चाहिए आंसर. यस निशा बहुत बढ़िया, अनन्या गुड, ओके समीना जी, सागर साहब बहुत बढ़िया भाई, गुड गुड गुड. आंसर पर बढ़ा जाए सर, आंसर क्या होना चाहिए? स्फिग्मोमैनोमीटर इज द करेक्ट आंसर. अब यहां पर एक कहानी को याद रखिएगा कि सर अलग अलग जो दे रखा है स्फिग्मोमैनोमीटर और वो एक वो आला क्या होता है, स्टीथोस्कोप. आला बच्चे आपका लबडब लबडब को चेक करने के लिए होता है, ठीक है. याद रखिएगा हार्ट की जो आपकी धड़कन है ना, लबडब लबडब, धक 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 नहीं होता है, लबडब लबडब होता है, ठीक है. उस लबडब को चेक करने के लिए होता है आपका स्टीथोस्कोप, वेयर एज ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर होता है बच्चे, ठीक है ना. चलिए अगले क्वेश्चन पर. विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट, अरे यार ये तो वही सेम क्वेश्चन है ना. द ब्लड प्रेशर ऑफ एन इंडिविजुअल इज 140 mmHg. इन दिस स्टेटमेंट व्हाट डज एचजी रेफर्स टू? एचजी का मतलब क्या होता है बताइएगा फास्ट स्पीड से. यस यस अभिज्ञान, गुड. चलिए ट्राई टू आंसर विद इन 20 सेकेंड. सभी प्यारे बच्चों से यार एक बार बस नम्र निवेदन क्या आप सभी बढ़ते रहिए. देखिए जितने भी आप लोग अपने मित्रों को जोड़ सकते हैं, जितने भी पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं उन सब को जोड़िए, क्वेश्चन तो आएगा यहीं से. 100% नहीं यार, हम करा के छोड़ेंगे, 99% होना चाहिए यही सब. चलिए ओके चाहिए, आई एम टॉकिंग अबाउट. ओके एचजी रेफर्स टू सर आपका मरकरी. एचजी का मतलब है क्या आपको याद रखना है, मरकरी मरकरी. ओके एमएमएचजी बोलते हैं ना, सो मरकरी इज द करेक्ट आंसर. चलिए अगले क्वेश्चन पर सर. When a person become older, his blood pressure generally. जब कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो उसका ब्लड प्रेशर क्या होता है सर, डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है, रिमेन द सेम या वेरीज वाइडली. 61 लोग लाइव में प्यारे बच्चों, आगे बढ़िएगा और जल्दी जल्दी से एक बार बस आप सभी प्यारे बच्चों का सपोर्ट चाहिए और जल्दी जल्दी से जरा आंसर को करिएगा, है ना. चलिए सर आंसर को जाना जाए, ठीक है. चलिए सर
आगे बढ़ा जाए और जाना जाए कि क्या होना चाहिए सर आंसर आप सभी का। यस यस यस, बिल्कुल सही सर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इंक्रीज होता है बच्चे, इंक्रीज होता है, बढ़ता है। आप सबको याद रखना है ब्लड प्रेशर आपका क्या होता है, बुढ़ापे के साथ आपका बढ़ता है। क्यों? क्योंकि हाई टेंशन, हाई स्मोकिंग, हाई फालतू का खाना खाएंगे तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, मोटापा बढ़ेगा, धीरे धीरे प्रेशर आपका बढ़ता चला जाएगा। इसलिए बी कूल यार, बी कूल, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़िए, 64 लोग लाइव है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग विजन कितना होता है बच्चे, बताएंगे फास्ट स्पीड से। लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा सेशन को प्यारे बच्चों, आप सबका लाइक सेशन को शेयर करना ही ज्यादा अच्छे स्तर पर ये पहुंचाएगा मेरे भाई, है ना। चलिए सर आंसर को जाना जाए, है ना। चलिए चलिए ठीक है, आगे बढ़ाते रहिए सेशन को, आगे बढ़ाते रहेंगे भाई। ओके यस, स्टूडियो आर के निशा, लक्ष्मी जी, जयंती जी, पम्मी जी, ओके बहुत बढ़िया, 64-65 लोग लाइव हुए बच्चे, और आगे बढ़ाइए सेशन को। चलिए सर आंसर पर बढ़ा जाए अभिज्ञान। यस यस यस, देखिए लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग विजन आप सभी प्यारे बच्चों को याद रखना है कि सर यदि पूछा जाए सेंटीमीटर में तो अलग है, मीटर में बच्चे आपका अलग होता है। 25 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज लीस्ट डिस्टेंस सर, है ना, व्हाट इज लीस्ट डिस्टेंस, मिनिमम दूरी जो आप देखकर पढ़ सकते हैं किसी चीज को, दैट इज योर मिनिमम डिस्टेंस, इज कॉल्ड द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग विजन। ठीक है, 67 लोग लाइव है प्यारे बच्चों, आगे बढ़िएगा और आगे कहानी को और ले चलते हैं दूर तक। द चेंज ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ, हिंदी में कहे मेरे भाई, किसी नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किस प्रक्रिया के कारण होता है, प्यूपल, रेटिना, सिलियरी मसल, आरिस, या नन ऑफ द अबव। ट्राई टू आंसर बच्चों, और इस क्वेश्चन का आंसर इसमें बहुत बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन को जानेंगे प्यारे बच्चे, है ना। चलिए सर चलिए आंसर को जाना जाए सर, क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर। यस ओके अनंडिया जी, बहुत बढ़िया, ओके स्टूडियो आर के दीपक जी, वर्णन, गुड 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 मेरे भाई। तो करेक्ट आंसर क्या है सर, किसके कारण ये होता है, तो आप सभी बच्चों को याद रखना है यार, आप सभी प्यारे बच्चों को याद रखना है, सीलियरी मसल, सीलियरी मसल इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब इसके एक्सप्लेनेशन पार्ट पर यदि आते हैं बच्चे, तो एक्सप्लेनेशन को जरा देखिए। यस दिव्या जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चे। चलिए सर एक्सप्लेनेशन पार्ट पर जरा देख लिया जाए, होता क्या ना बच्चे, आप देखें खुद भी, आप समझिए, जब आप लाइट में जाते हैं, ब्राइट लाइट में चले जाते ना, आंख ऐसे खुल जाती है, ठीक है, आंख ऐसे खुल जाती है, और जब आप किसी चीज को पढ़ने के लिए सामने लाते हैं तो आपकी आंख सिकुड़ सी जाती है, सिकुड़ सी जाती है। क्यों? क्योंकि सिलियरी मसल सिकुड़ता है, सिलियरी मसल सिकुड़ता है और वही फैलता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सिलियरी मसल बच्चों, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, पावर ऑफ लेंस इज मेजर्ड इन, पावर ऑफ लेंस जो होता है बच्चे उसको किसमें मेजर करते हैं, डायोप्टर, एरियन, ल्यूमेन या कैंडेला। ट्राई टू आंसर बच्चे फास्ट स्पीड से, ओके चलिए सर ओके देखा जाए। ओके ओके भाई, निशा जी, संयुक्ता जी, ओके गुड, अंजलि, पी कुंज साहब, गुड़िया जी, ओके तो बढ़ा जाए सर आंसर पर, और आंसर क्या होना चाहिए, राकेश जी, सभी प्यारे बच्चों, ओके मुकेश जी, गुड, बहुत बढ़िया, पम्मी जी, ओके। सो करेक्ट आंसर है सर पावर ऑफ लेंस, आप सभी जानते हैं डायोप्टर, डायोप्टर। और बच्चे एक फॉर्मूला आप सब बच्चों को याद रखना है सर, क्या है, पावर इक्वल्स टू 1/ फोकल लेंथ, है ना, 1/ फोकल लेंथ। और ये जो फोकल लेंथ होता है ना प्यारे बच्चों, ये फोकल लेंथ होता है मीटर में, मीटर में। यदि ये सेंटीमीटर में दे रखा है, यदि ये सेंटीमीटर में दे रखा है बच्चों, तो याद रखिएगा इसकी जगह पर आपको क्या करना होगा, 100/100/ फोकल लेंथ, यदि ये सेंटीमीटर में है तो। यही फॉर्मूला थोड़ा सा ट्रिकी बना देता है क्वेश्चन को, ठीक है, यही फॉर्मूला मेरे भाई आपका क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिकी बना देता है, ध्यान रखिएगा। चलिए सर अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, इफ द लेंस पावर ऑफ द ग्लास इज +2 डायोप्टर इट्स फोकल लेंथ विल बी। क्वेश्चन है सर, यदि थोड़ा सा न्यूमेरिकल है, और भरोसा है हमें, आप सब न्यूमेरिकल को देखकर भागेंगे नहीं, ट्राई करेंगे, क्योंकि आप सबको सिलेक्शन लेना है, है ना। तो लाइक शेयर के साथ आंसर करिएगा फास्ट स्पीड से, 200 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। यदि किसी का पावर है +2 डायोप्टर, इसका मतलब क्या है, ट्राई टू आंसर, बताए भैया चुन्नू क्या होना चाहिए यार आंसर। Thank you.
चलिए देखा जाए। 68 लोग लाइव हैं बच्चों, आगे बढ़ाएंगे और यार। ओके बहुत बढ़िया, वेल डन, यस निशा गुड, अंशु जी ओके, चांदनी जी ट्राई टू आंसर, इसको जितने लोग आंसर करेंगे वो बहुत बढ़िया रहेगा उनके लिए। सर आइए, पावर दे रखा है, पावर इक्वल्स टू 1/4 फोकल लेंथ, पावर दे रखा है सर +2 डायप्टर। देखिए जनरली जब +2 डायप्टर दिया जाए बच्चे, 70 लोग लाइव हुए, लाइक शेयर के साथ आगे बढ़ेंगे। जब पावर दे रखा है बच्चे आपका 2 डायप्टर है ना, तो याद रखिएगा ये मीटर में दे रखा है बच्चे, ये मीटर में दे रखा है, ठीक है ना। ओके लेकिन यहां पर क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में। इस कारण से आपको क्या याद रखना है, सब कुछ को सेंटीमीटर में बनाना पड़ेगा। 1/4 फोकल लेंथ, 1/4 फोकल लेंथ, ये जो 2 रहता है ना वो मीटर में है, बट यहां पर ऑप्शन में आपको सेंटीमीटर में दे रखा है बच्चों, ठीक है, सेंटीमीटर में। तो बाद में इसको कन्वर्ट करना होगा, ठीक है, बाद में कन्वर्ट कर लेंगे। चलो देखो फोकल लेंथ बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 यही होगा ना, मीटर, मीटर है मेरे भाई। अब इसको सेंटीमीटर में करने के लिए 100 से क्या करो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो बच्चे ये हो जाएगा आपका 50। सो दैट विल बी 50 सेंटीमीटर विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। What would if the pancreas is defective? यदि तुम्हारा पेनक्रियाज खराब हो जाए, तुम्हारा ना हो यार, तुम्हारे दुश्मनों का होए, उनका भी ना हो, छोड़ो काहे को खराब हो, बीमार वैसे लोग आजकल बहुत चल रहे हैं। Digestion will not take place properly, insulin and glucagon are not formed, blood formation will stop, blood pressure will increase. Try to answer बच्चों। चलिए मेरे भाई, चलिए देखा जाए क्या होना चाहिए। यस निशा जी, प्रशांत, अंजलि, ओके बहुत बढ़िया बच्चे, गुड गुड गुड। आंसर पर आइए, दीपिका जी, के जी है बच्चा, लक्ष्मी जी, ओके स्वर्णिमा, दीपिका, अनन्या, गुड़िया। देखिए सर, व्हाट वुड हैपन इफ द पेनक्रियास इज डिफेक्टिव, यदि आपका पेनक्रियास डिफेक्टिव हो जाता है ना बच्चे, तो पेनक्रियास डिफेक्टिव होने का मतलब है इंसुलिन और ग्लूकागॉन बच्चे आपका नहीं बनेगा, है ना, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन विल नॉट फॉर्म, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन नहीं बनेगा मेरे भाई। क्यों नहीं बनेगा, इसका कारण सुनो क्या होगा, यदि पेनक्रियाज आपका डिफेक्टिव होगा ना, हिंदी में कहें अग्नाशय यदि डिफेक्टिव होगा बच्चे, तो आपका अल्फा और बीटा सेल वो उस पर असर पड़ेगा, और अल्फा सेल आप सभी बच्चों को पता है, अल्फा सेल आपका क्या बनाता है सर, ग्लूकागॉन बनाता है, और बीटा सेल बच्चे आपका इंसुलिन बनाता है। और आप सभी प्यारे बच्चों को बता दें, इंसुलिन कम रहा तो बढ़ेगा ग्लूकागॉन का लेवल, और ग्लूकागॉन का लेवल बढ़ना मतलब बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ना, और बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ना ही प्यारे बच्चों कहलाता है एक बीमारी आपका, डायबिटीज, है ना, डायबिटीज की जो बीमारी होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर। Which one of the following hormone stimulate the pancreas for production of digestive juice? इनमें से कौन सा डाइजेस्टिव जूस बनाने में मदद करता है, पेनक्रियास को स्टिमुलेट करता है। 73 लोग लाइव हुए प्यारे बच्चों, आगे बढ़िएगा और आंसर को जरूर लाइक शेयर के साथ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। रेनिन, ट्रिप्सिन, सिक्रेटिन या पेप्सिन बच्चे, फास्ट स्पीड से बताइएगा सभी लोग, ट्राई करिए बच्चे। आशीष दुबे जी, गुड इवनिंग, नमस्कार भाई, क्या हाल चाल है। वारिसौ, बहुत दिन बाद वारिसौ जी दिखे हैं, शादी वादी करके आ गए भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं और आंसर को जरा जाना जाए। प्रशांत साहब, निशा जी, ओके गुड, सोनम, लक्ष्मी, समीना जी, केजीएफ, बहुत बढ़िया बच्चे, वेल डन, आगे बढ़िया आंसर की ओर। ओके सो क्या होना चाहिए सर आंसर, कई लोग ऑप्शन डी लगा रहे हैं, माइंड इट, मैं सबका आंसर चेक कर रहा हूं, गलत आंसर है बच्चे। करेक्ट आंसर क्या है सर आपका, सिक्रेटिन इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन स्टिमुलेट पेनक्रियास टू प्रोड्यूस इज डाइजेस्टिव जूस, ये नहीं पूछा है, ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि कौन स्टिमुलेट करता है बच्चों, स्टिमुलेट करता है, ध्यान रखिए, सिक्रेटिन क्या करता है, ये स्टोमक को दबाता है ताकि पेनक्रियाज अपना खुलकर रिएक्शन कर सके, खुलकर वो अपना 3 एंजाइम को बना सके बच्चे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीएज एंड लाइपेज को बना सके, ध्यान रखिए। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ आपका, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं सर। इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन क्या है बच्चों आपको बताना है, ग्लाइकोलिपिड है, फैटी एसिड है, पेप्टाइड है, स्टीरॉल है, ट्राई टू आंसर इट। ओके, हाई लेवल ऑफ एनर्जी आज आप सभी को रखना है बच्चे, थोड़ा सा लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा। चलिए जाना जाए,
चलो भाई देखा जाए, आप सब लोगों का 73 लोग साइंस में पहली बार पहुंचे बच्चे, ये हमें दिख रहा है। और कल सुबह जो आपका इतिहास का मैराथन होना है उस पर सभी लोगों को ज्वाइन करना है। कल कोई भी ड्यूटी व्यूटी नहीं, सिर्फ लाइव सेशन इतिहास का 11 बजे सुबह। चलिए सर, जूही जी ओके, पम्मी जी, पी कुन साहब, शशि दुबे जी ओके, अनन्या गर्ग जी बहुत बढ़िया। आंसर पर बढ़ते हैं। इंसुलिन क्या है सर? आपका पेप्टाइड है सर। इंसुलिन क्या है? पेप्टाइड है। क्यों है सर इंसुलिन पेप्टाइड? जरा ध्यान से सुनिएगा। इंसुलिन जो होता है ना, आपको बता दें ये प्रोटीनेशियस हार्मोन है। व्हाट इज दैट? प्रोटीन से बना हुआ हार्मोन है, प्रोटीनेशियस हार्मोन है। और आप सभी प्यारे बच्चों को बता दें, प्रोटीन जो बना होता है, प्रोटीन जो बना होता है वो आपका एक बॉन्ड से बना होता है बच्चे, दैट इज पेप्टाइड बॉन्ड, ध्यान रखिएगा। चलिए आपको यहां पर बता दें, ध्यान रखिएगा, COH NH2 RR मतलब बच्चे कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। दिस इज, ये है आपका एक जनरल स्ट्रक्चर आपका एक प्रोटीन का, एक एमिनो एसिड का। यदि इसके साथ फिर से जुड़ा दोगे NH2, ठीक है, CCOH ओके, R एंड एच, यहां पर क्या होगा प्यारे बच्चे, ध्यान रखिएगा, यहां पर क्या होगा, OH और इधर का H निकल जाएगा और एक बॉन्ड बन जाता है प्यारे बच्चों, CONH का एक बॉन्ड बन जाता है, दैट इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड, और उसी से ये बना है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इंसुलिन इज क्या है सर? इंसुलिन दो बहुत सिंपल सा, ये बीपीएससी का क्वेश्चन आया हुआ, फास्ट स्पीड से बताइएगा। फैट, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन। 72-74 लोग लाए में प्यारे बच्चों, चलिए और बढ़ना है भाई, है ना, फास्ट स्पीड से बच्चे, जल्दी जल्दी से जरा। चलिए चलिए आंसर की ओर बढ़ा जाए, देखा जाए सर क्या आंसर होना चाहिए। टाइमर ऑफ हो चुका है आप सबका। यस बिल्कुल, KGF, याचिका, वारिसा, सौरभ जी, प्रशांत साहब, बिल्कुल सही सर। इंसुलिन क्या है सर? प्रोटीन है, प्रोटीनेशियस है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चों 74 लोग लाइव है यार, 5 सेकंड का टाइम लो, लाइक वाइक बढ़ा डालो, और चैनल पर यदि लाइव हो तो एक बार सब्सक्राइब भी कर लेना बच्चे, है ना। इंसुलिन इज एक ही क्वेश्चन अलग अलग पीसीएस के एग्जाम में अलग अलग टाइप से पूछा जाता है, तो बताइएगा स्टेरॉइड है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है या फैट है, फास्ट स्पीड से बताइएगा बच्चों। यस जल्दी जल्दी से मेरे भाई। चलिए सर देखा जाए क्या होना चाहिए आंसर। ओके यस 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 बहुत बढ़िया, गुड गुड, वन एंड सेम, यस वन एंड सेम। आप सभी प्यारे बच्चों को बताइए कि सर ये प्रोटीन है, प्रोटीन है। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ा जाए और अगले क्वेश्चन को जाना जाए। इंसुलिन इज अ टाइप ऑफ, ये क्या हो रहा है सर, है ना, बताइएगा इंसुलिन किस टाइप का है? हार्मोन है, एंजाइम है, विटामिन है, सॉल्ट है। अब यहां पर थोड़ा सा आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, 5%, है ना, और बताइएगा इंसुलिन क्या है सर। 75 लोग लाइव हुए यार, एकदम जबरदस्त यार, ऐसे आप लोग रेगुलर रहा करिए तो देखिए साइंस क्या बोलते हैं, साइंस तो बस खत्म करके रहेंगे। चलिए ओके, निशा, गुड 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 ओके, बहुत बढ़िया। शशि दुबे जी, मनीषा जी, स्वर्णिमा, तृप्ति जी, तृप्ति गलत है बच्चे, इंसुलिन विटामिन नहीं है यार, ध्यान रखिए हार्मोन है। और इंसुलिन अभी आप बच्चों को बताया था, जिसने नहीं सुना वो फिर से सुन लो, इंसुलिन बच्चे आपका बीटा सेल से रिलीज होता है। बीटा सेल किसका? पेनक्रियास का। और पेनक्रियास का भी बीटा सेल क्या है? आइलेट ऑफ लैंग्रिएंस, आइलेट ऑफ लैंग्रिएंस होता है बच्चे, उसमें 3 तरह के सेल होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा सेल आपका रिलीज करता है ग्लूकागन, बीटा सेल बच्चे रिलीज करता है इंसुलिन, याद रखिएगा। और गामा सेल बच्चे आपका सोमेटो, वो उसको नहीं जाना है ना, सो याद रखिए बीटा सेल के द्वारा रिलीज किया जाता है, दिस इज द हार्मोन पार्ट बच्चे। ओके चलिए अगले क्वेश्चन पर, विच मेटल इज प्रेजेंट इन इंसुलिन, इंसुलिन में कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है बच्चे, बताएंगे टिन, कॉपर, जिंक या एल्यूमिनियम, फास्ट स्पीड से बताइएगा और लाइक शेयर करते रहिएगा। 75 लोग लाइव है मेरे भाई, थोड़ा सा ओके ओके चलिए सर देखा जाए क्या होना चाहिए सर आंसर। ओके सांभवी जी ओके, पी कुंज साहब ओके ओके,
आशीष जी, चलिए ठीक है बच्चे, 76 लोग हुए भाई, गुड, धन्यवाद। आइए आंसर पर बढ़ा जाए, और आंसर बहुत बढ़िया बच्चे, जिंक 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 इज द करेक्ट आंसर। जिंक आप सभी प्यारे बच्चों का करेक्ट आंसर है यार, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए सर अगले पार्ट पर बढ़ा जाए। द मेन कंपोनेंट ऑफ हनी, हनी का मेन कंपोनेंट क्या होता है, शहद का मुख्य घटक क्या है मेरे भाई, ग्लूकोज है, सुक्रोज है, माल्टोज है, फ्रक्टोज है, फास्ट स्पीड से बताएंगे सभी बच्चे लोग, क्या है सर आपका मेन कंपोनेंट हनी का। चलिए सर देखा जाए, और कल सुबह 11 बजे जरूर आप सबको जुड़ना है महामैराथन इतिहास का बच्चे, है ना, मॉडर्न हिस्ट्री के लगभग 80-90 क्वेश्चन होंगे, 20-30 क्वेश्चन आपके एंसेंट को होंगे, और 10-20 मिडवल के, जिस हिसाब से एग्जाम में आता है उसी पर रखना है, ठीक है। आइए जरा अगले पार्ट पर बढ़ा जाए कि क्या होना चाहिए सर करेक्ट आंसर। मेन कंपोनेंट ऑफ हनी, हनी का मेन कंपोनेंट क्या होता है सर, आपको याद रखना है हनी जो बनता है, ध्यान से सुनिएगा लॉजिक, यदि एग्जाम में भूल जाए, देखिए हनी जो बनता है सर उसमें मेनली आपका फ्रक्टोज होता है, फ्रक्टोज होता है, क्यों सर, सी फ्रक्टोज इज नोन एज फ्रूट शुगर, फ्रक्टोज इज नोन एज फ्रूट शुगर, ठीक है, फ्रक्टोज आपका क्या कहलाता है, फ्रूट शुगर कहलाता है, ठीक है, फ्रूट शुगर कहलाता है, थोड़ा आप समझिएगा, फ्रूट शुगर कहलाता है। और मेरे भाई जो फ्लावर होती है ना, जो फ्लावर होती है आपकी, ठीक है, इस फ्लावर से, ठीक, नॉर्मली फ्लावर में पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन होकर, ठीक है, आशीष कुमार कहे सर ये यूपीएससी में नहीं आएगा, अरे मेरे भाई यूपीएससी के लिए हम करा ही नहीं रहे, ये क्वेश्चन मेरे भाई पीसीएस का आया हुआ है, और जरा एक बार निशा जरा बताना ये कौन से पीसीएस का आया हुआ है, जरा इस बच्चे को बता दो, क्योंकि हमारे प्यारे बच्चे थोड़ा सा पढ़ लोगे तो जानोगे कि ये पीसीएस में आया है, और यहां पर स्टेट पीसीएस का क्वेश्चन चल रहा है। मेरे भाई यूपीएससी करने के लिए पहले नींव तो मजबूत करो यार, है ना, ये आपको क्या लग रहा है, ये जो 60-70 बच्चे है ये क्या बेवकूफ है क्या, जो यहां पर पढ़ने के लिए बैठे हुए हैं, ठीक है, आंसर करना है, अच्छे से करना है बच्चे, आंसर करिए, बहकावे में ना आइए, पढ़ने पर ध्यान दीजिए, ठीक है ना। आपको बताएं यहां समझा रहे थे यार कॉन्सेप्ट, अचानक से बीच में कुछ से कुछ यूपीएससी का नहीं है भैया, एसएससी का, छोड़ो यार, लेन दो, सुनो, फूल है ना, फ्लावर है ना, फ्लावर में बच्चे पॉलिनेशन होगा, पॉलिनेशन होगा तो फ्रूट बनेगा ना, ठीक है, फ्रूट बनने से पहले वाला स्टेज पर ही आपका हनी बी जो होती है ना वो इसको चूस लेती है, शहद, ठीक है, नेक्टर को चूस लेती है, वही जाकर बच्चे आपका शहद बनाती है, ठीक है, इसलिए याद रखिएगा ये सारा पॉइंट आपका फ्रक्टोज का है। और प्यारे बच्चे मेहनत करने पर ध्यान दो, है ना, इस तरह की फालतू की चीजों में लो बता दो, फिर जो हमारे भाई यूपीएससी पीसीएस की सोच के यूपीएससी जो बच्चा कर रहा है इस क्वेश्चन का आंसर बता दो, ठीक है, यदि बता दिए तो बहुत बढ़िया भाई। चलिए आंसर पर आइए, ग्रेप शुगर, फ्रूट शुगर, मिल्क शुगर, टेबल शुगर या स्टीविया, ट्राई टू आंसर फास्ट स्पीड से बच्चे। संजय भाई गुड इवनिंग भाई, क्या हाल चाल है संजय जी, चलिए सभी बच्चे आगे बढ़िएगा और आंसर करने की कोशिश करिएगा। हाँ तो भैया वो हमारे यूपीएससी वाले भैया नहीं दिख रहे हमें यार, गायब हो गए लग रहा है, हाँ चलिए आइए भैया, पहले एग्जाम निकालने की सोचो यार, यूपीएससी पीसीएस ये क्या बताएं, छोड़ो फालतू की बातें नहीं करनी चाहिए, है ना, चलिए देखिए आगे आइए आंसर पर सर, फ्रूट शुगर, ग्रेप शुगर, है ना, आप सभी बच्चों को बता दे, फ्रूट शुगर अभी हमने बोला था सर, फ्रूट शुगर क्या होता है, फ्रक्टोज होता है, एक लाइन में बोला ना, फ्रूट शुगर फ्रक्टोज, है ना, सो सर फ्रूट शुगर इज फ्रक्टोज, हर एक क्वेश्चन बच्चे यहां पर इंटरलिंक्ड होता है, एक क्वेश्चन करोगे दूसरा यूपीएससी वाला भी कर लोगे, स्टेट पीसीएस का तो पहले अच्छे से निकालो, यूपीएससी वाला भी कर लोगे, देखिए फ्रूट शुगर इज फ्रक्टोज, एक लाइन मान लो हमें पता है, अभी पिछले क्वेश्चन में एक लाइन हमने बताया, मान लो एक ही लाइन पता है यार, फ्रूट शुगर इज फ्रक्टोज, देखते हैं बी का सेकंड सर कहां पर आंसर दिख रहा है, जरा देखिएगा बी का सेकंड, अच्छा ये ऑप्शन ही छुप गया है, ठीक है, ये ऑप्शन ही आपका छुप गया है, ध्यान रखिएगा, अच्छा दिव्या जी, चलिए सर, अच्छा हिंदी में भी चाहिए बच्चे को, तो ध्यान रखें भाई, फ्रूट शुगर आपका फ्रक्टोज है, ठीक है, मिल्क शुगर आपको याद रखना है बच्चे, मिल्क शुगर आप सबको याद रखना है सर, लैक्टोज है ना, सो सी का आपका फिफ्थ कहां दिख रहा है मेरे भाई, सी का फिफ्थ यहां पर दिख रहा है, और बी का फर्स्ट यहां पर दिख रहा है, सो करेक्ट आंसर हो गया ना बी का फर्स्ट, ये रहा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। हाँ केजीएफ कहे सर, नहीं मेरे भाई
इग्नोरेंस इज द प्रमोशनल थिंग। यदि आप किसी चीज को इग्नोर करते हैं, ये याद रखिए, वो सामने पर्सन वो थोड़ा खुश हो जाता है। एंड आई डोंट वांट हमारे अपने सारे इतने सारे स्टूडेंट हैं पढ़ने वाले लोग, कि ना पढ़ने वालों के लिए जरूरत ही नहीं है मेरे भाई केजीएफ, है ना? क्यों, सही बोला कि नहीं बच्चे? आइए अगले क्वेश्चन पर जरा पढ़िए। शालिनी जी कहे सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते, धन्यवाद शालिनी जी कि आपको अच्छा ये लगा। ध्यान रखिए फ्रूट शुगर इज फ्रक्टोज, इससे आपने क्वेश्चन निकाल लिया, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं सर। अच्छा इसी का हिंदी रूपांतरण है बच्चे ये, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन इज एस्प्रिन इज ऑब्टेंड फ्रॉम, एस्प्रिन किससे मिलता है बच्चों आपको बताना है, ठीक है? पेट्रोलियम, अर्थ, अट्री या केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड? फास्ट स्पीड से बताएंगे प्यारे बच्चों। यस चलिए सर जल्दी जल्दी से मेरे भाई। ओके हाँ, अरे सौरभ कह रहे सर कुछ लोग ऐसे मजाक करने आते हैं, वो मजाक करने नहीं आते, वो जिंदगी से परेशान होते हैं। चलो आ जाओ, आ गया, और हमारे जैसा खतरनाक व्यक्ति सामने मिल जाए तो सामने ही बता देता, लो अगला क्वेश्चन बताओ फिर, है ना? एस्प्रिन इज ऑब्टेंड फ्रॉम, बच्चे एस्प्रिन किससे मिलता है बच्चे याद रखिएगा, एस्प्रिन जो है करेक्ट आंसर है सर आपका ट्री से मिलता है, ट्री से मिलता है। और मेरे बच्चे याद रखिए यहां पर एक पॉइंट, ट्री में आपको याद रखना है एस्प्रिन जो है ना आपका, चलो केमिकल फॉर्मूला अगले ही क्वेश्चन पर है, लो इससे बढ़िया भी क्वेश्चन बताने से अच्छा है, लो आ गया आ गया। एस्प्रिन इज क्या है सर? एस्प्रिन एंटीबायोटिक है, एंटीपायरेटिक है, रिलीवर है या नन ऑफ द अबव? फास्ट स्पीड से बताइएगा बच्चों एंड ट्राई टू आंसर विद इन 20 सेकंड। यस हाँ चुन्नू सही कहे मेरे भाई, यूपीएससी का फुल फॉर्म पूछ लो कुछ बच्चों को, तो यूपीएससी की फुल फॉर्म नहीं आती है चुन्नू, है आर्टिकल पूछ लो कहां से कहां तक आर्टिकल है, आर्टिकल नहीं पता और कहेंगे यूपीएससी करेंगे, अरे भैया पहले चलो अगले पर आओ। एस्प्रिन इज, एस्प्रिन क्या है सर? एंटीपायरेटिक, याद रख रहे हैं प्यारे बच्चे, एंटीपायरेटिक इज करेक्ट आंसर। एस्प्रिन क्या होता है सर? एंटीपायरेटिक होता है। अब यहां पर एक पॉइंट, यहां पर एक पॉइंट याद रखिएगा, ये टेम्परेचर को कम करने वाले के रूप में है, टेम्परेचर को कम करने वाले के रूप में है, एंटीबायोटिक कभी नहीं होता, एंटीबायोटिक बच्चे कभी नहीं होता, याद रखिएगा, है ना? चलिए सर अगले क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा करेक्ट मैच नहीं है, इनमें से कौन सा करेक्ट मैच नहीं है? एंटीपायरेटिक पैरासिटामोल, एंटी एंटी फोमिंग आपका पॉलीअमाइड, ठीक है, एंटीसेप्टिक एस्पिरिन या एंटी एंटी ट्रासिटिक कैल्सिफेरॉल? ट्राई टू आंसर, इसमें बताने कौन सा करेक्ट नहीं है प्यारे बच्चे। फास्ट स्पीड से बढ़िएगा और लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा। सौरभ कहे सर बिहार में ऐसे लोगों को, बिहार में ऐसे लोगों को दसवीं का एग्जाम पास करके दिखाओ, अरे सही कहे भैया। चलिए आगे बढ़ते चलिए सर। ओके बिल्कुल सही, प्रियंका जी, सुमन, स्वर्णिमा, निशा, बहुत बढ़िया प्रियंका जी, ओके, मेघा जैन जी, मोनू, तृप्ति, गुड, अंजलि, स्टूडियो आर के, केजीएफ, बिन्नी जी, गुड। तो सर आंसर पर बढ़िए सर, एंटीपायरेटिक भैया बीमारी आपको बुखार से रोकता है, कौन? ऑप्शन नंबर ए, ये तो बिल्कुल करेक्ट है बच्चे। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, एंटी फोमिंग आपका पॉलीअमाइड, ये भी करेक्ट है। एंटीसेप्टिक सर एस्प्रिन कहां से हो गया आप ये बताइए, एंटीसेप्टिक एस्प्रिन कहां से हो गया? क्योंकि अभी आपको बताया था बच्चों एस्प्रिन जो ना एंटीपायरेटिक होता है, एंटीपायरेटिक होता है, ठीक है ना, एंटीपायरेटिक होता है, ठीक है बच्चे। सो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, ओके। सो अगला है ऑप्शन नंबर सी आपका, ठीक ठीक है। एंटार्क्टिक आपको याद रखना है, विटामिन डी जो आपको हील करे, जो आपको रिलीफ दे, जो आपको रिलीफ दे, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए ओके, अरे लक्ष्मी जी आपका भी नाम ले रहे हैं बच्चे, यदि भूल गए हो आपका नाम तो माफ करिएगा। जो लोग पढ़ने के लिए है ना, चाहे वो कभी भी शुरू हो जाए ना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सबका नाम लेने लगते हैं, ठीक है लक्ष्मी जी, परेशान ना होइएगा। आइए अगले पॉइंट पर। हाँ यस चलिए ओके, नेक्स्ट अब बढ़ते हैं बच्चे
अगले पॉइंट पर। देखिए आप सभी को बता दें कि मार्च का महीना है भैया, और मार्च के महीने में संकल्प अभिमान अटल, संकल्प आपका उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए, अभिमान आपका हरियाणा पीसीएस के लिए, अटल आपका यूके पीसीएस के लिए, और इसके साथ साथ आपको बताएं चाणक्य बैच आपका किसके लिए, बिहार पीसीएस के लिए, निश्चय आपका आपका मध्य प्रदेश पीसीएस के लिए, ये आ रहा है मेरे भाई आपका 16 तारीख को। कोड क्या यूज करेंगे आप, कोड का यूज करना है आपको Y260, जो भी जुड़ना चाहे आप इस बैच से जुड़ सकते हैं, बेस्ट अवेलेबल डिस्काउंट इस पर आपको मिल जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़िए, अगला अच्छा क्वेश्चन कह रहे हैं, अगला है भैया आपका बाहुबली, ध्यान रखिएगा बाहुबली। आज थोड़ा सा 5 मिनट आप लोगों का लेट हो गया, कोई बात नहीं बच्चे, अगले दिन भरपाई सुबह सुबह कर लेंगे, कल 3 घंटे का महामैराथन है, ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए ओके अगला पॉइंट, निशा शर्मा कहे हमारा भी नाम नहीं लिए, सर लीजिए आपका भी नाम ले लिए बच्चे, है ना। बाहुबली का बैच आपका आ चुका है, 7 दिन हुए अभी, जिसमें से 5 दिन की कहानी हुई है, जरूर आप ज्वाइन करिए बच्चे, सुपर बैच है यार Y260 कोड से, ये बिलीव करिएगा, ये मौका यदि चला गया बाहुबली का तो इस बार सेलेक्शन दूर हो जाएगा, ये हमारा मानना है। यदि आप पहले से प्रिपेयर हैं तो बहुत बढ़िया, लेकिन यदि बच्चे आपको बेस बनाना है तो बाहुबली आपके लिए सबसे सुकून वाला बैच है, ठीक है। Y260 कोड से आज ही ज्वाइन कर सकते हैं, 10 से 12 की सुबह की टाइमिंग है प्यारे बच्चे। और अब आइए थैंक यू वाला क्वेश्चन, सर थैंक यू वाला क्वेश्चन आप सभी प्यारे बच्चों को एक छोटा सा बताना है, वो ये है सर आपको बताना है कौन सा सर, पायरेटिक एंड एंटीबायोटिक, ये दोनों में क्या डिफरेंस होता है, वन इज पायरेटिक वन इज एंटीबायोटिक, दोनों में क्या डिफरेंस होता है बच्चे जरूर बताइएगा, ठीक है। ओके, और मिलते हैं कल को बच्चे, आपका महा 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 मैराथन 11 बजे सुबह होगा, जरूर जुड़ना है प्यारे बच्चों। ओके, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय, यू ऑल आर द रॉक स्टार यार, चलिए बाय। हाँ संजय भाई, आपका तो नाम सबसे पहले बोले थे मेरे भाई, बच्चे लोग नाम के लिए बोलते हैं, हाँ आओ यार।